चाहे मुझे शहर भेजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मुशरफ हाशमी और मेरा जो प्रोग्राम है कुछ लोग मुशरफ हाशमी के साथ, उसमें आज हमारे जो मेहमान है वो बदौलत कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने बचपन से ही इनके अंदर ये सलाहियत थी कि ये लोगों को इकट्ठा करें। वो जो डिस्प्लेस कम्युनिटी है आजाद कश्मीर में भी बहुत मौजूद है, सरहद में है, पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद है, उन सबको इकट्ठा करने का जो सेहरा है वो जाकर बलोच साहब को जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बस आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने थैंक यू वेरी मच। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बलोच फाउंडेशन की इब्तदा कहाँ से की और इसकी जरूरत क्या पेश है? तो हमने जब देखा कि हमारे आजाद कश्मीर के हवाले से बलोचों की जो इंटरेक्शन है वो बहुत खासा कम था, ये हालांकि बहुत बड़ी कम है ये, लेकिन मराठी में तो उसको दावे करने के लिए मैंने जो है कश्मीर बलोच फाउंडेशन की बुनियाद रखी। 1998 से जो है इसकी बुनियाद रखी और नाम ने भी लाया। उसके जो इसी के हवाले से मैंने जो नवाब डूटी साहब का और इस प्लेटफॉर्म को लेकर आप आगे चले, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको हमारे बाकी की जरूरत है तो हम आपके साथ। तो फर्दन फर्दन ये सिलसिला चल पड़ा और चलता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी इस पर बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, न सिर्फ के बलोचिस्तान में है, सिंध में है, असेंबली है या कोई भी ब्यूरोक्रेसी की जो एक लिहाज से समझे वो इनकम्प्लीट है। और कश्मीर में आपने अक्सर देखा होगा कि सिर्फ वोट देते रहे हैं, मेजोरिटी के लोग वोट देते हैं, वोट अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ ये बुनियादी बुनियादी बता रही थी। उसका बेनिफिट ये है कि ये बेसिकली सारे सजानी साहब जो ये जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, भाई है और ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कश्मीर बलोच फाउंडेशन की। जब हमने कश्मीर बलोच फाउंडेशन बनाई तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन कराई उसमें ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है, ठीक है। इस तरह गलत साहब हमारे साथ हैं जो बहुत मॉडल भी रहे हैं, उसके बाद सामान भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट भी रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, ठीक है। इस तरह मेरा अनुभव शिडारी है जो हमारे बलोचिस्तान से पता है, जो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, उनका सेफ्टी स्टैब्लिशमेंट भी रहे, तो साथ में हमारे साथ बड़े अच्छे से हमारे सबों का। लेकिन लोगों को आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्णय रखा है, उनमें कौन कौन लोग हैं? उनमें जनरल भारत गोयल साहब है, धीरा मनोहर शिडारी साहब है, ठीक है, सारे सरगानी साहब है माशाल्लाह, उसके बाद डॉक्टर विजय शंकरानी साहब है, मुख्यमंत्री का वरिष्ठ सर है, इसका यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की, तो इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे मुख्तलिफ लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से मतलब है, वो बहुत ये तो यूनिवर्सिटी। अब आपका जो पहला प्रोजेक्ट है वो किस हवाले से आप जिस गया हमने यूनिवर्सिटी करनी है, उसकी एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप पूरे पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो लोग थे उन लोगों को आपका जो मुझे कहना ये था कि हम जो हमारे यानी रियासत कम पढ़े लिखे और स्कूल ड्रॉप आउट हुए बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, इसलिए रियासत के लिए अच्छा ये है हमारे वो बच्चे जो बिल्कुल स्कूलों में नहीं जा सकते, ठीक है, उनके लिए जो ऐसे कोई राय बना के लाने के जो अपने फाउंडेशन को बेस करें रजिस्टर करें, उनको देखें कि काम करने की जरूरत है, बच्चों के लिए अलग से एक सखा बनाया जाए, ठीक है, उन बच्चों को वहां पर फैसिलिटेट दिया जाए, ठीक है, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी बेसिक तालीम के हवाले से, सही, तो कोई अपनी सेवाएं से हम जो स्टेप लेना चाहते हैं उसके साथ जो दिन बताया है उनके साथ भी इंशाल्लाह हम कॉन्टैक्ट करेंगे।
स्टडिंग वाले फैसिलिटेट करें, इसके लिए जो फंडिंग है मैं जो इस पर बात हो सकती है नुकसान से हमारे मैडम है तो उन्होंने भी किया था, उन्होंने कहा था कि आप आजाद कश्मीर को मिसाइल और प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है तो हमें फॉलो अप है, हमें पूरा इसका डिटेल मिलना है, तो आप जो चाहे फंडिंग हम करेंगे बिल्डिंग भी बना देंगे आपको, उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ इसको लेकर हम आगे बढ़े। बहुत अच्छा। अच्छा लेकिन जिस जगह भी आपकी बरादरी हो उसको इकट्ठा करने का मतलब ये होता है अगर आप अपने गरीब भाई को ढूंढ रहे हैं या फिर खून भी हम कर रहे हैं, इसका मतलब कभी भी गैर नहीं जाना चाहिए, सुंदर सिलसिला आता है उसमें खेत बहुत अग्रेसिव रखा गया है कि अगर जो भी खानदान है या विरोध है या आदमी है या कोई भी खानदान है आह्वान है तो वो अगर अपनी लगातार अपनी खानदान में तस्वीर करेगा तो उनकी रुपये खत्म होगी, ये तस्वीर फैसला क्यों होनी चाहिए। और दूसरे कि इस वक्त आपके पाकिस्तान में हर जगह होना चाहिए लोग मौजूद हैं, क्या उनके साथ आपका कनेक्शन मौजूद है, लोगों को आपके यंग यंग यही आपके स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तालीम हासिल करके तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन से बनाने का कोई इरादा है? बिल्कुल ऐसे जो है हमारे ऑलरेडी पाकिस्तान से भी रहा है, अच्छा जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, पंजाब में काम कर रही है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे करीबन 400 लोग हमारे साथ शामिल हैं, बलोच काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, बलोच प्रेसिडेंट काउंसिल है हमारी, उसमें वन पाकिस्तान ग्रुप भी है, उसमें भी हमारे फॉरन में लोग बैठे हैं, लोग जो भी इसमें शामिल हैं, जो लोग सर्विस में फेडरल गवर्नमेंट में प्रोविजनल गवर्नमेंट में वो लोग हमारे साथ शामिल है इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का। एक ग्रुप जो है फाइनल फॉरन ऑफिसर में बैठे हमारे साथ मिले थे, उन्होंने कहा था कि बलोचों की जो हिस्ट्री है ये बताती है कि बेसिकली ये अरब है और ये भी आखिरी बड़ी हिस्ट्री है, बिल्कुल ऐसा ग्रोथ है बेसिकली अभी हमदार के पास है, इस वजह से ये अरबी कलर है क्योंकि दूसरा ये है कि शुरू से एक माइग्रेशन अभी है, ब्रोज इधर तक गया है, कुरान से भी इज्जत किया है, अपना सऊदी अरब से भी की है, अमारात से भी की है, अभी भी आप देखो मोस्टली सऊदिया में और अमारात में देखे आप वहाँ बड़े के बाद में ब्रोच बाद मैं खुद करके गया था वहाँ पे हमारे शेर अली कपूर साहब है और वो वहाँ हमारे मिनिस्टर है, ठीक है तो उसको भी उनसे भी जाने वहाँ पर उनको अपना पैगाम दिया, उनको भी जो फंड मिलाया, इस वजह से मैं दुबई में भी दुबई के पास गया था। अच्छा मुस्तकबिल करीब में जो ब्रोच लड़के हैं या लड़कियां हैं या यंगस्टर्स हैं पास जाने तो पूरी दुनिया में ये टेलीविजन जो लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए पैगाम क्या आपका? उनके लिए पैगाम ये है कि सब लोग ज्यादा तालीम पर होते हैं, सही है इसी चीज तालीम में तालीम के बाद आप ये कुछ नहीं सकते बाहर आपके पास अंधेरा है, सही अच्छी बात है तो आपको रोशन पर जाना है ये उसके लिए सबसे बेस्ट मोस्ट जो होती है बुनियादी चीज है वो है तालीम, आप तालीम पर होते हैं उसके अलावा अपने मसायल जो आपके पास हैं उनके लाते उससे भी हमारे जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको चाहिए लोगों गरीब लोग उनके साथ अगर आप उठाएंगे तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और इंशाल्लाह वक्त हम उसको करते रहेंगे। मेरा बोल फाउंडेशन के हवाले से ये मशन है इनको के बड़े कीमती कीमती हीरे जो है इनके इनके खानदान खानदान होते हैं, आपको पता है एक जो गुलाब का फूल है उसकी अगर 180 किस्म है तो खुद देख लें आप कितनी किस्म के फूल होंगे, अल्लाह ताला ने हर जगह फूल लगाए हैं यार, ब्राजील में अच्छे लोग नहीं होता कि एक ही ब्राजील के सारे लोग अच्छे होते हैं, सारे सही भी अच्छे नहीं है, सारे हाथी भी अच्छे नहीं है और सारे सरदार भी अच्छे नहीं, तो आजकल हर मतलब सरदार बना हुआ है लेकिन अल्लाह के दर का नाम सरदार है। अब मुझे ये होता है आखिरी बात मैं आपने करूंगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बारे में यह मुतासबिता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर न हो तो ये ऑक्सीजन बंद हो जाए, सूरज चूर न हो और ये जो घटा जो वगैरह है ये पकड़ा हो जाए, हमने इकट्ठे होके बेसिकली अपने मोहम्मद इकट्ठे होके बेसिकली फलसफा है मोहम्मदी फलसफा उसको उसके तर्जुमा होकर दुनिया के लिए एक अच्छाई का मैसेज देना है और मोहब्बत का मैसेज देना है और आला अखलाक की तकमील हमारा मकसद होना चाहिए। इस वक्त तक के इशारा करके इजाजत दीजिए।